નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં. અતિથિ એટલે કે ગેસ્ટ ઓફ ધ ડે. ગેસ્ટ ઓફ ધ ડે માં આજે વિશેષ અતિથિ આજે હાજર છે. આપણી સાથે હાજર છે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શરદ પવાર. શરદજી, આપકા સ્વાગત હે કાર્યક્રમ મેં. સબસે પહેલો તો આપકો બહોત બહોત અભિનંદન કે આપકા યુપીએ સરકાર કા જો વિશ્વાસ મત આપને જીત લિયા. મેરા સવાલ યે હે કે વિશ્વાસ મત જો જીતે ઉનકી ખુશી જ્યાદા થી યા તો ફિર સંસદ મેં જો કાંડ હુઆ જો પૈસે લેકર કહીં ના કહીં લોગો કી બાત થી दो में से क्या ज्यादा खुशी विश्वास मत जीतने की हुई थी या इसमें दोनों ही बातें हैं कि एक विश्वास मत जीतना ये तो देश की इम्पोर्टेंट की बात थी क्योंकि दुनिया का ध्यान यहाँ था. इकोनॉमी पिछले साढ़े चार साल अच्छी होने के बावजूद एक जो दुनिया में ऑयल प्राइसेस और इससे जो क्राइसिस हुआ इसका एक इम्पैक्ट सभी जगह पर दुनिया में हुआ. में पानी भी कम है, ऐसे परिस्थिति में एक स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए कि जो ऐसे सभी इश्यूज पर ज्यादा ध्यान देगी और महंगाई हो, पानी कम हो, ऐसे इश्यू से लोगों को राहत देने के लिए ध्यान दे. और इसके लिए स्टेबल गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की आवश्यकता थी. जो बात शुरू हुई सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद, इससे एक स्टेबिलिटी पर असर होता है और स्टेबिलिटी पर असर होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन पर असर होता है. और इसके लिए बाकी जो अभी काम करना है और लोगों की समस्या है वो हल करने के लिए एक अच्छी परिस्थिति पैदा हो जाएगी. इससे हमें सबसे ज़्यादा खुशी है. जीत होती है, हार होती है, मगर इससे आम जनता को और देश को हम क्या दे सकते हैं और कौन से संकट से बाहर से निकलने के लिए क्या मदद कर सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है. दूसरी बात एक है, जहाँ तक पॉलिटिकली बात हो तो जो पार्टी हमेशा कहती थी कि वो पार्टी अलग है, पार्टी विद डिफरेंस है, पार्टी विद कैरेक्टर है, ये बात देशवासियों के सामने आ गई. आप ये देखिए कि ये साढ़े चार सालों में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट से बाहर निकाले गए. पहले क्वेश्चन पूछने के लिए 10 लोग निकाले, 10 या 12, इसमें 8 बीजेपी के थे. फिर कोई पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपने क्षेत्र में एमपी लैंड में कुछ करते हैं, इसमें कौन लिखे ये भी देखना चाहिए. कबूतरबाजी में कुछ एमपी है, इस तरह की बात आ गई, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के निकले. आज जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया बोलते हैं कि इसमें उसमें भी महत्तम ज्यादातर लेके भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी है. तो ये पूरे टेन्योर में मेरा सवाल यही है पवार जी की, जिस तरह से कहीं हास होता दिख रहा है, जैसे कि जो मूल्य एक आप तो इतने साल के एक्सपीरियंस खिलाड़ी में बोल सकता हूँ, आपने वो अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस भी देखे, अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स देखे, अच्छे अच्छे मेंबर्स देखे, उनके सामने आपकी इतनी लंबी करियर के अंदर आपको ये भी दृश्य देखना कहीं व्यथित हुए होंगे आप? नहीं, इसमें सीधी बात है, आज पार्लियामेंट ने अच्छा, हमारी पार्टी छोटी है, मगर हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा एक भी एमपी इधर उधर गया नहीं. हाँ, कुछ लोग उनको मिले नहीं थे, ऐसी परिस्थिति हम सुनते थे, वो हमें भी बताते, मगर कोई गए नहीं. लेफ्ट के भी एमपी हमें मानना होगा कि एक भी लेफ्ट उनकी स्ट्रेंथ है, लेफ्ट एक भी उनका गया नहीं. डीएमके देखिए आप, डीएमके को कुछ अच्छा, कांग्रेस की भी 130 या 135 है, इनमें से एक ही आदमी वो भी पार्टी से इससे पहले निष्कासित किया था. इसलिए ये जो समस्या है, ये समस्या की बाधा सबसे ज्यादा जो पार्टी कल देश की हुकूमत चलाने के लिए आगे जाना चाहती है इस पार्टी में दिखाई, और ये कॉमन बात नहीं. अब भारतीय जनता पार्टी, या तो खास करके बताऊं एनडीए, आप सांप्रदायिकता की प्रहार उनके ऊपर करते थे, क्या आपको लगता है कि इस वक्त ये भी मुद्दा मिल गया आपको एक और? सच बताओ तो ये मुद्दा नया नहीं था, इससे पहले भी बातें इस बारे में होती थी, मगर एक आम जनता के सामने एक बड़े पैमाने पर एक बात साफ होने का मौका इससे हो गया, क्योंकि इस साल ये सभी इश्यूज पर पूरे देश का ध्यान टेलीविजन पर था, उन्होंने देखा. अभी जहां तक पैसे देने की बात है, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंक्वायरी होनी चाहिए, हम तो चाहते हैं कि स्पीकर साहब के पास वो टेलीविजन का रिपोर्ट या कोई चैनल के पास रिकॉर्डिंग है, वो बोलते हैं वो सच हो तो वो देश के सामने आना चाहिए. जो कुछ बातें हमें सुनने के लिए लगते हैं कि ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंसी
किसी को बदनाम करने के लिए की है, इस तरह की बात दिल्ली में होती है, हमारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर ये बात है। और दूसरी तरह से बीजेपी का एलिगेशन है कि हमारे लोगों को पैसे दिए, तो इसमें दो बातें में डिटेल जाने की आवश्यकता है, जिनको पैसे दिए इनके बारे में बीजेपी का रवैया कलकत्ता था, हमें ये सुनने के लिए मिला इनके खिलाफ कुछ एक्शन बीजेपी ने ली थी, कुछ गलत काम कर रहे थे इसलिए, और वो ये एक्शन, ये जब विश्वास मत की बात आ गई तब विड्रॉ किए ऐसे बोलते हैं, हमें डिटेल मालूम नहीं, मगर ये बात अखबार में भी आई है। तो ये जो कुछ हुआ ये इसका टोटल नक्शा देशवासियों के सामने आना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी, ये दूध का दूध और पानी का पानी पब्लिक के सामने आना चाहिए, और वो भी चुनाव से पहले, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि आने वाले चुनाव में जहां पे भी आप वोट डाल रहे हैं वो पार्टी कैसी है, उनका चित्र उनके सामने स्पष्ट होना चाहिए। दर्शक मित्रों, दूध का दूध पानी का पानी, शरद जी की बात चालू रखी, परंतु एक नानकड़ा विराम बाद। दर्शक મિત્રો, વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। વાત કર્યા છે આપણે શરદ પવારજી સાથે। શરદજી, કૃષિ મંત્રી કે હિસાબ સે આપને 5 સાલ મે બહોત અચ્છે કાર્ય કિયે, જિતના ભી કાર્યકાલ અભી તક હુઆ હૈ, કહીં ના કહીં લગતા હૈ સહી કે ઇતના અચ્છા કામ હૈ, બહોત સારે અચ્છે કામ કર રહે, લેકિન જ્યાદા સે જ્યાદા લાઇમ લાઇટ મે વન એન્ડ ઓનલી सिर्फ मिनिस्टरों में लालू जी रहते हैं। कहीं कभी ऐसा होता है कि जितना पॉपुलैरिटी लालू जी का लगता है, शरद जी इतना अच्छा काम करने के बाद भी? सिंपल बात है कि भाई कुछ हमारे साथी बड़े मीडिया आप भी है, हम इतने मीडिया अच्छा, क्योंकि हम थोड़ा बहुत, हमें मीडिया में जाने का एक थोड़ा नर्वस भी आती है, संकट भी आता है, वो दूसरे काम के लिए आते हैं। एग्रीकल्चर की जहां तक कृषि की बात आपने की, तो पहले बात जो एग्रीकल्चर सेंट्रल स्टेज पर नहीं था वो स्टेज पर आ गया जी। पिछले 10 सालों में पहले बार 4% ग्रोथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करने का जो प्लानिंग कमीशन का पहला डिसीजन था वाजपेयी जी के जमाने के, वो कभी हुआ नहीं, इस साल हुआ। पहले बार ज्यादा से ज्यादा गेहूं का उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा कॉटन का उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा धान का चावल का उत्पादन इस देश में इस साल हुआ। आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट गेहूं का इस साल हुआ। दुनिया में क्राइसिस नहीं, 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 पावर साहब, परत आ, ये तो क्लियर कट है कि आप अच्छे कृषि मंत्री हैं। एक मिनट, तो ये सब होने के बाद हमारे खिलाफ एक क्रिटिसिज्म होती थी कि एक कृषि छोड़कर क्रिकेट पर ज्यादा रीजन ये है कि क्रिकेट ये मीडिया का ज्यादा पसंद का क्षेत्र है। okay, और okay, इसलिए okay, okay. तो हमारा जो नाम आता था इसमें आता था, बल्कि हमारे आना चाहिए क्या अच्छे, ये पहले साल है कि अभी लोग कृषि के बारे में सोचने लगे और बोलने लगे दुनिया की। आपने क्रिकेट में भी अच्छी अच्छी फसलें दी है भारत को, अच्छे फसल बोले तो कप अच्छे अच्छे। क्रिकेट की ही बात करें तो अगेन मैं पूछना चाहूंगा पवार साहब की, क्रिकेट पिछले जब से आपकी एंट्री हुई बहुत ही स्टाइलिश, एक अलग हाई प्रोफाइल एंट्री आपकी हुई, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता एक बहुत बड़ा एक हीरो दूसरा हीरो दोनों की टसल दिखाई जाती है, और आपकी और दालमिया जी की जो दोनों की टसल हुई, हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ और अल्टीमेटली विनर बने शरद पवार, ये हाई प्रोफाइल ड्रामा था पूरा, जो कि आपने पूरा एक नया रंग भी दिया। आईपीएल को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है कहीं ना कहीं व्यापारीकरण जो कि नहीं होना चाहिए, व्हाट डू यू फील? बिल्कुल नहीं, इसमें बात ऐसी है कि जो पूरा एक तो क्रिकेट के बारे में हमारी बचपन से दिलचस्पी हुई है। अपने देश में कई लोग ऐसे हैं नौजवान कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जिंदगी में खेले ही है, और खासतौर पर क्रिकेट खेले। अभी हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट बैठे, ये खुद खेलते थे, आई थिंक रणजी ट्रॉफी तक आप गए थे, तो अभी स्टेट के एनसीपी के प्रेसिडेंट है, विधानसभा का सदस्य है, तो कई आज पार्लियामेंट में भी आ जाए कि कितने लोग हैं कि ठीक है सब टेस्ट प्लेयर तो नहीं हो गए, मगर कई स्कूल में खेल शरद पवार क्रिकेट खेलते थे, सभी खेलते हैं जनरली। मेरा सवाल सीधा सवाल है, शरद पवार मैं खुद खेलता था, क्या करता था, बॉटिंग बैटिंग बॉलिंग दोनों कोई, हम बहुत अच्छे क्रिकेटर थे ऐसा हम बोलते नहीं, हम ज्यादा ऑर्गेनाइजर थे, और पूरी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का काम जब हमारे कॉलेज में हमारे पास ही रहते थे, पूना यूनिवर्सिटी का रहता था,
दूसरा एक मेरे पर्सनल फैमिली में माय फादर इन लॉ ही वाज अ टेस्ट प्लेयर, वो बड़ौदा से खेले, यहाँ से खेले, मुंबई से खेले, भारत के लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे हमारे परिवार में भी एक क्रिकेट का है दो जनरेशन से, ये देश के कई जगह पर है। मगर हमारा ध्यान इसमें इसलिए गया था कि हमने ये देखा कि जिन जनरेशन ने ये क्रिकेट के अच्छे दिन लाए, उस जनरेशन को उस जमाने में नया पैसा मिलता नहीं था। 5 रुपये या 10 रुपये मिलते थे टेस्ट के लिए, थर्ड क्लास पैसे की बात करें। मैं आपने जो कहा कि पैसे की, तो इनकी हालत इतनी बुरी थी, ये हमें ठीक करना था, नई पीढ़ी को इनकरेज करना था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए अच्छा बनाना था, और ये सब करने के लिए संगठन मजबूत और नियत से चलेगी तो ये हो सकता है। इस पर हमारा ध्यान था और वो आज हो गया। शरद पवार जी, आपने जो बताया कि थोड़ा पैसा जिस तरह से मेहनत करते उस तरह से उनको पैसा भी मिलना चाहिए। अभी सुरेंद्र शर्मा जी का हमारा इसी कार्यक्रम अतिथि में इंटरव्यू था, उन्होंने बहुत अच्छा व्यंग किया था कि पहले 5 दिन का मैच था, पैसे कम मिलते थे, फिर मैच की साइज कम हुई, 50 ओवर्स की हुई, उसमें पैसे ज्यादा मिले, बाद में 2020 का हुआ, उसमें बहुत सारे मिले। उन्होंने एक ये भी व्यंग किया था कि शायद आने वाले दिनों में मैच इतना छोटा हो जाएगा कि दोनों कप्तान आएंगे, टॉस करेंगे, जो जीता बोले तू मैच जीत गया, देखने के लिए कोई आएगा नहीं। आज भी दुनिया में और देश में भी दो ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट है, एक टेस्ट जो क्रिकेट के जितने ही जानकारी है जिनको है, ये सब लोगों के मन में टेस्ट ही पसंद है। मेरा भी हमारा भी, हमें सच बताओ तो हम थोड़े आउटडेटेड हो सकते हैं, पर हमें वन डे डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता था। 2020 की जो बात आपने कही कि इंडियन बोर्ड ने मैं प्रेसिडेंट होने के बाद यूनैनिमसली डिसीजन लिया था कि 2020 में भाग लेना, हिस्सा लेना नहीं, और इसमें भारत ने समर्थन नहीं करना। जब हम मीटिंग के लिए गए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, हम अकेले पड़े, दुनिया के सभी देश एक हो गए, फेवर कर रहे, एक अकेला इंडिया उसको अपोज कर रहा था। फिर रिजोल्यूशन हो गया, रिजोल्यूशन होने के बाद मैंने आकर सभी साथियों को कहा भाई दुनिया इस रास्ते से जा रही, हम अकेले कहाँ लड़ेंगे, और वो सब इसमें रहेंगे और हम नहीं रहेंगे तो हमारे खिलाड़ियों का भविष्य क्या। तो हम टेस्ट पर भी ध्यान देंगे और इस पर भी ध्यान देंगे, और सबसे सबके बाद दुनिया के भारत इसमें शामिल हो गया और वर्ल्ड चैंपियन बन गया, वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अच्छा, इससे भी ज्यादा आईपीएल की जो बात की, इससे सबसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे देश के सामने है, इतने नए चेहरे आए कि मालूम नहीं थे कई लोगों को, हम लोगों को मालूम नहीं थे कि इतने अच्छे लड़के हैं, तो हिंदुस्तान में कितना पोटेंशियल है। उभर कर बाहर, उभर कर बाहर। और सब वापस आ जाते हैं पॉलिटिक्स की ओर, कहीं ये कहते हैं कि जो परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता, परमानेंट कोई मित्र नहीं होता। शिवसेना कांग्रेस दोनों को अपने बिल्कुल बिल्कुल सामने वाले खेमे में मानने वाले एनसीपी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं लगाओ, जैसे कि वही सोनिया गांधी जी जिसका आपने विरोध किया था, उसी सोनिया जी के साथ आप उन्हीं की कैबिनेट में है, धीरे धीरे आपके ताल्लुकात धीरे धीरे शिवसेना से भी ज्यादा। दोनों बात साफ करना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत ना सोनिया गांधी के हम खिलाफ थे या किसी के इंडिविजुअल खिलाफ थे, हम इतना ही चाहते थे कि हिंदुस्तान की जिम्मेदारी इस देश में पैदा होने वाले लोगों ने लेनी चाहिए, इतना हमारा कहना था। इसके बारे में हम बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से या सोनिया जी के खिलाफ तब नहीं थे, आज नहीं और कल भी रहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे, जिस तरह से उनकी पार्टी देश के लिए योगदान देना चाहती है इस पर उनका ध्यान है, ये अच्छी बात है, हम इसके खिलाफ नहीं है। हमारा सिर्फ एक इशू था, उन्होंने खुद ही अनाउंस किया कि हम नहीं है, उन्होंने खुद मनमोहन सिंह जी का नाम दे दिया। हाँ, तो ये बात साफ होने के बाद फिर एक बार नीति सेक्युलर फोर्सेस में यूनिटी लाने की हो, और इसका स्वीकार हमारे पार्टी ने यूनानिमसली रिजोल्यूशन करके चुनाव से पहले तय किया होगा, तो हमें यही रास्ता था, और इसलिए हम लोग यहाँ। जहाँ तक शिवसेना की बात है, शिवसेना ये सेक्युलर फोर्सेस में बैठने वाले संगठन नहीं है, आगे भी नहीं होगी, और इसलिए इनके साथ इस तरह से जाना पॉलिटिकली हम लोगों को
कभी पसंद नहीं पड़ेगा ना इसमें हमारे लोग रहेंगे। हम एनसीपी इंडिपेंडेंट हमारा एक स्टेचर कायम करके मजबूत करना चाहते हैं, नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए हमारी कोशिश है। ये पार्टी इतनी नई पार्टी होने के बावजूद आज देश के 11 विधानसभा में उनको कुछ न कुछ रिप्रेजेंटेशन लोगों ने दिया है और हमें विश्वास है कि हम आगे जाएंगे। मैं हर्ष बाबूजी यहाँ पे रोकूंगा। दर्शक मित्रों वातो चालू राखीशु, जे प्रमाण स्पष्टपणे कीधु कि क्यारे सोनिया गांधी जी नो व्यक्तिगत रीते विरोध नहीं करो जो मुद्दों हो तो, परंतु जयरे मनमोहन सिंह जी ने एक ज मत थी कि आ राष्ट्र में जन्मेला व्यक्ति ज आ देश वडाप्रधान बनी शके, ते वात ना कारणे सोनिया जी साथे नहीं, शिवसेना माटे खास करीने के सांप्रदायिक ताकतों साथे क्यारे पण हाथ एनसीपी नहीं मिलावे। घनी बधी वातो करीशु, खास करीने अंतरंग वातो, एक नाना का ब्रेक बाद। विराम बाद फरी एक स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथि में। बात करें आज आप कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी साथ। ब्रेक से पहले आपने बताया कि शिवसेना के बारे में, अगर मेरा अभी रैपिड राउंड है, ये लास्ट ब्रेक के बाद लास्ट है, बाला साहब ठाकरे के लिए आपका अंगत क्या मानते हैं अपन के लिए? हम और बाला साहब बड़े पुराने मित्र हैं, हमारी 40 साल से संबंध। कौन सी चीज बाला साहब की सबसे अच्छी लगती है आपको इसमें? बाला साहब की पॉलिटिकल लाइन इनकी हमें पसंद है। दूसरी एक बात बताते, अभी कल देखिए, कल सीपीएम के पार्टी ने सोमनाथ चटर्जी जैसे सीनियर बुजुर्ग नेता को पार्टी से निकाल दिया। शिवसेना एंटी कम्युनिस्ट है, बट उन्होंने कल लिखा बाला साहब ने कि बिल्कुल गलत है, और उन्होंने सोमनाथ जी को समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि यह आदमी मैन ऑफ प्रिंसिपल है, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए भले पार्टी से निष्कासित किया तो इसकी चिंता उनको नहीं है, और इसलिए मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। ये बाला साहब ठाकरे का एक कैरेक्टर है, उनको ठीक लगा बिल्कुल ठीक है, अच्छा ठीक नहीं लगा तो मुंह पर कर लेंगे। भले बाला साहब ठाकरे आप राजकीय ऐसे बोला जाए तो पर्सनल फ्रेंड है आपको, कई आपने बताया कि पुराने दोस्त है, पॉलिटिक्स में बहुत बार आमने सामने भी आना जाना हुआ है, कोई ऐसा किस्सा जो बाला साहब से हुआ हो कभी जिंदगी भर आप भुला नहीं सकते? झगड़ा नहीं, मगर झगड़े की बात करो, अच्छी मीठी बात है। मैंने एक बार कहा था कि कई लोगों को मालूम नहीं, दिस इज इन अबाउट 40 इयर्स बैक, बाला साहब मैं और हमारे दो दोस्त थे, हम चारों ने मिलकर मीडिया लाइन में जाने का तय किया। अच्छा हुआ छोड़ दिया जल्दी। और एक मैगजीन हमने निकलने के बाद तय किए, वो आज जैसा उस जमाने में टाइम दुनिया के सामने था, आज भी है, इसी लाइन पर एक मराठी लैंग्वेज में निकलने की बात हम लोगों ने मिलकर की थी। 5,000 रुपए हम सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किए थे बिफोर 40 इयर्स, एंड 20,000 रुपए की राशि लेकर हमने शुरू किया। तो बाला साहब की थोड़ी भक्ति थी, ये वो थोड़ा किसी को पूछते थे भाई कभी काम शुरू करना हो, कोई बाबा हो या ऐसे तो कोई थे उनके परिवार के, नहीं उनके घर की कोई थी, उनकी बहन बहन कोई ऐसी थी, उनको पूछा क्या होगा या हम एक नया मैगजीन शुरू कर रहे। उन्होंने कहा कि आपकी पहली कॉपी बॉम्बे में एक सिद्धिविनायक नाम का मंदिर है गणेश जी का, वहां रखिए, वहां कॉपी रखने के बाद ये कॉपी वहां रखेंगे तो फिर इतनी कॉपी जाएगी कि देखने के लिए आपको मिलेगी नहीं। तो बताया वाला साहब ये करना है, हम तो बोले हम तो इसके खिलाफ है, बोले ठीक है आप कहते हैं आपकी इससे श्रद्धा है तो करिए। तो सबने जाकर वहां कॉपी रखी, ये हमारा पहली और आखिरी वही कॉपी थी, हमारा मैगजीन चला ही नहीं। तो बाला साहब से सलाह से हमने काम किया कि फिर नहीं देखने के लिए मिले, ये जीवन भर भूल नहीं सकते। ओके, और ये हमने इनके सामने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था। शरद पवार का एक अलग अंदाज है चुनाव प्रचार का, अपने मत क्षेत्र में, अपने चुनाव क्षेत्र में सिर्फ एक ही जाहिर सभा वो करते हैं, बाकी कार्यकर्ताओं के हवाले छोड़ देते, मतदाताओं के हवाले छोड़ देते। अगर शरद पवार खुद अपना आलंकन खुद करे, बाकी पॉलिटिशियन से शरद पवार कैसे अटके हैं? बेसिकली एक है कि हमेशा मेरा अप्रोच थोड़ा अलग है, मैं सक्सेस में पूछ रहा हूं, इलेक्शन के लिए जाता नहीं, मैं 5 साल ध्यान देता हूं, और जो 5 साल ध्यान देता हूं
और लोगों के मैंने पिछले 40 साल से ज्यादा, दिस ईयर आई विल कंप्लीट 43 इयर्स इन असेंबली एंड पार्लियामेंट विदाउट सिंगल लेज ब्रेक। मगर इसमें एक बात है कि हमने शुरू में ही लोगों को एक आदत लगाई डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। हिंदुस्तान में दो राज ऐसे हैं, एक गुजरात और महाराष्ट्र, कि जहां विकास के बारे में लोगों की पहले से भले आप पुराने लोग भी काम करते हैं, आप पुरानी सब सरकार यहां की भी देखी है। एक यहां मैंने कई ऐसे नेता देखे थे कि बिल्कुल ईमानदार और सिर्फ अपनी राज्य की उन्नति के लिए मेहनत करने वाले। कुछ लोग इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल भी थे मगर उन्होंने एग्रेसिवली, मतलब आप पूरे 5 साल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेगुलर जो काम होता है डेवलपमेंट का, उस वजह से फिर हम जाते हैं। लोगों को हमने आदत ये लगाई कि आप हमें पॉलिटिकल काम लेकर बताइए, इसके ट्रांसफर करो, उसको यहाँ अपॉइंट करो, आप हमें डेवलपमेंट का काम। और ये हमने एक लोगों को आदत लगाई, तो मैं कभी जाता हूँ तो मेरे पास कोई इसके इसकी ट्रांसफर करो, इसकी अपॉइंटमेंट करो कहने के लिए कोई आता नहीं। वो ये कहते कि भाई ठीक है, अभी हमारी शिकायत ये है रोड के बारे में बात करेंगे, रोड की अभी ऐसी शिकायत नहीं थी, अभी इंटरनेट की विंडो जल्दी मिलती ना, इस तरह की बात शिकायत थी। तो एक बदलाव आ गया वहाँ, तो डेवलपमेंट में ज्यादा। एनसीपी ने एक बात तय की है कि हमारी पार्टी में हमारी सब साथियों का ध्यान डेवलपमेंट पर ज्यादा होना चाहिए, आप डेवलपमेंट करो लोग समर्थन देते हैं। फाइन शरद पवार जी, अभी मैं एक एक नाम बोलूंगा पॉलिटिशियन का, अभी मेरा रिपीट राउंड है इंडिविजुअल के बारे में, काहे के नहीं आप अपने अंदाज से उनके बारे में आपकी राय जाननी है इंडिविजुअल। मैं किसी के इंडिविजुअल को भी बोलता हूं इतनी व्यस्तता के बीच में, इतनी व्यस्तता के बीच में शरद जी आप कैसे कैसे रिलैक्स किया, कैसे होते हो, कोई आपकी हॉबीज क्या क्या करते हैं? जैसे जब समय मिलता है तो मैच देखता हूँ, कभी टेनिस की हो तो कभी क्रिकेट की हो या और कुछ हो, टेलीविजन पर तो वो देखता है। पढ़ने में बहुत मुझे एक पढ़ने की बात की तो अगर अभी तक आपने बहुत ही आपका स्टडी है बहुत ही वांछन किया होगा, रीडिंग किया है, टॉप 3 बुक्स जो कि इम्प्रेस कर गई हो। नहीं आजकल तो मेरा टोटल रीडिंग मैंने बदला है, मेरा टोटल रीडिंग मैंने आज खास तौर पर एनवायरमेंट, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इरिगेशन, इसी क्षेत्र पर एंड इकोनॉमिक चेंजेस किस तरह से दुनिया में हो रहे, इसका लाभ भारत में क्या किस तरह से, इस बारे में जो भी नई नई खोज हुई है उसके बारे में। इसमें कोई किताबें ज्यादा होती नहीं, इसमें कंटिन्यूसली राइटअप आता है अच्छे अच्छे, इसमें इस पर मेरा ज्यादा ध्यान। इतने साल का एक्सपीरियंस, सीधा संपर्क एक पार्टी के अध्यक्ष जो कि नेशनलाइज पार्टी बोल सकते हैं, क्या लगता है आज की जो न्यू जनरेशन है, जो भी नए नेता आ रहे हैं, खास करके यूथ लीडर्स जो भी है, क्या कमी दिखती है या सही में उसमें कोई फोर्स दिखता है? तो मुझे एक ही बात दिख रही है कि नई पीढ़ी में लार्जर नेशनल इंटरेस्ट की बात पक्की है, पर साथ साथ बड़ी जल्दबाजी हो रही है। यानी एक जमाने में लोग ऐसे तैयार होते थे कि सालों साल काम करो, मगर अभी तुरंत किसी को एमपी बनना चाहिए, एमएलए बनना चाहिए, एमएलए बने तो तुरंत मिनिस्टर बनना चाहिए। थोड़ा ये जल्दबाजी एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए फायदे की होती है, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करके लोगों में जाना चाहिए, समस्या की जानकारी करनी। शरद पवार जी को फिल्में देखने का शौक है, अब मुंबई महाराष्ट्र है तो इतनी मोह माया नगरी नहीं, कोई खास नहीं, सीरियस टाइप ऑफ सिनेमा होते हैं वो हम देखते थे। कौन से पहले पुराने मूवी में कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती थी? मतलब कई भाई ये जितनी शाम बेनेकल की जितनी फिल्म है ये सभी हमें अच्छी लगती है। हीरो कौन सा फेवरेट आपका? कई लोग हमारे दोस्त थे पर्सनल, अभी दिलीप कुमार हमारा कई सालों से दोस्त है पर्सनल। हीरोइन कौन सी हो गए तो इसलिए वो बूढ़े हो गए, अभी क्या उनका नाम ले लो, आज की जनरेशन हम तो जानते भी नहीं, हमारी बड़ी समस्या होती है। एक बार हम के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए गए इनॉग्रेशन, तो पहचाने भी नहीं होंगे आप? नहीं नहीं, तो वहाँ ये दिया लगाने के लिए हमें बोला, तो एक लड़की वहाँ लाइट लेके आ गई, तो वो वहाँ हवा भर थी इसलिए हवा में टिकता नहीं था, तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे मराठी में कहा, तो मैंने देखा तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आप मराठी बोलते, आप मराठी बोल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एक्स वाई जेड आर्टिस्ट हूँ,
महाराष्ट्र में पैदा हुई तब हमें पता लगा ये बड़ी आर्टिस्ट यही है। हाँ, हिंदुस्तान की एक नंबर की आर्टिस्ट थी वो उस जमाने में। अभी हम कहेंगे तो बोलेंगे इतना अनपढ़ है इस क्षेत्र में कि हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। हमारी सब जो पीढ़ी थी पुरानी पीढ़ी थी, पुरानी पीढ़ी पर ही हमारा ज्यादा ध्यान होता था। शर्मा जी, मेरा लास्ट सवाल बिल्कुल बिल्कुल सच, अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कौन सा निर्णय था, ऐसा कौन सा डिसीजन था, जो कि बहुत सारे डिसीजन लिए आपने लेकिन लाइफ में एक डिसीजन ऐसा जो कि वो डिसीजन लेने में बहुत ही दिक्कत आई होगी, अपने आप से भी बहुत फाइट किया होगा, ऐसा कोई डिसीजन? दो टाइप के डिसीजन, एक नेशनल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर एक बहुत डिसीजन की जिसके बारे में जबरदस्त पॉलिटिकल भी कीमत देनी पड़ी। सिंपल बात थी, मगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम एक यूनिवर्सिटी में देने के लिए पूरे स्टेट में हमारे यहाँ दंगे हुए थे जी। पर ये रेजोल्यूशन हमने असेंबली में रखा था, इस पर अमल नहीं कर सके। फिर 12 साल के बाद फिर हम चीफ मिनिस्टर बने, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये हमने इस पर अमल किया। इसके बाद हमें चुनाव में हारने की समस्या हमारे ऊपर आ गई, मगर हमने इसकी चिंता नहीं की, एक प्रिंसिपल था। एंड सबसे ज्यादा, बाकी सभी के नाम दे सकते हैं, और एक जिन्होंने हिंदुस्तान को एक संविधान दे दी और दलित समाज का सर्वोच्च नेता था उसका नाम नहीं दे सकते, ये सोशलिस्टिक नेता। और दूसरा, हमें एक कई सालों से हम झगड़ा कर रहे थे कि हिंदुस्तान के किसानों की जब तक परिस्थिति में बदलाव नहीं आएगा तब देश आगे नहीं जाएगा। और इसकी शुरुआत एक तो इस क्षेत्र में ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, दूसरा उसके सर पर जो बोझ है वो निकालने के लिए एग्रेसिव कदम उठाने की आवश्यकता थी। इसमें पहला हिस्सा अभी हो गया कि जिसके लिए पिछले 2.5 साल 3 साल से हमारा झगड़ा चालू था अंदर में, और इससे 70,000 करोड़ की माफी आज किसानों को मिली, पर इससे हम खुश नहीं है क्योंकि ये माफी डिसीजन निर्णय की बात, ये डिसीजन ही था ना, इसी टू वेव द लोन लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग। ये डिसीजन लेने में बहुत सारे फोर्स या प्रेशर आया होगा, इतना इतने सारे सभी बैंकर्स का विरोध। फाइन, यानी जो आपने ये डिसीजन लिया बहुत ही कठिन था, इतने विरोध के बावजूद भी आपने ले लिया। नाउ लास्ट में गुजरात में कितना भी प्रयत्न, चाहे पिछले मैं 8-10 साल की बात कर रहा हूं, 12 साल की बात कर रहा हूं, कांग्रेस हो या बाकी अपने आप को बिन सांप्रदायिक ताकत कहने वाले, पूरे हिंदुस्तान में जोर शोर से भारी बहुमती से चुनाव जीतने वाली पार्टी गुजरात में सक्सेस नहीं होती, क्या रीजन लगता है आपको? मुझे ऐसे नहीं लगता। आप पूरी गुजरात की हिस्ट्री देखिए, जिस दिन से गुजरात बना तब से, एक तो गुजरात से ट्रेडिशनली गांधीयन एंड कांग्रेस की फिलोसफी पर ध्यान देने वाला स्टेट था। फिर भी आप जिसको फासिस्ट कहते हैं, ये बदलाव आ गया मगर मैं ये बदलाव परमानेंट रहेगा ऐसे लगता नहीं, मुझे लगता नहीं। मेरा जो बचपन से गुजराती समाज को मैंने देखा, मेरे स्टेट में एक गांव ऐसा नहीं कि जहां गुजराती फैमिली नहीं जी। हम बचपन से देखते थे कि गुजराती फैमिली 95% गुजराती फैमिली हमें ऐसी मिलती थी कि उनकी घर की औरत खादी की साड़ी पहनती थी, और इनमें से एक जनरेशन ऐसी थी वो खादी भी घर में चरखा पर तैयार होती थी। ये गुजरात की ट्रेडिशन है, गुजरात में बापू की ट्रेडिशन पूरे हिंदुस्तान में बड़े समझदारी से डिवोशन से रत्न किए है, ये नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जो कुछ हुआ होगा, कुछ रिलीजियस और इसका थोड़ा बहुत असर हुआ, कुछ दंगे हो गए, इसका भी कीमत देनी पड़ती है। और इससे यहाँ अब सच बताओ तो मैंने कहना ठीक नहीं हमारे साथी है, मगर कांग्रेस पार्टी यहाँ की मिलकर काम करेगी तो यहाँ का नक्शा बदलेगा। आज यहाँ जो दूसरी पार्टी बढ़ती है, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर काम करने की तैयारी नहीं रखी पिछले कई सालों से, इसकी ये कीमत देनी पड़ती है ऐसे हमारे लगता है। ये पार्टी ठीक तरह से काम करेगी, एनसीपी वगैरह जो उनको साथ लेकर काम करेगी, यहाँ का नक्शा बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच पवार साहब, मिलकर बहुत खुशी। दर्शक मित्रों, आती मुलाकात कृषि मंत्री शरद पवार जी साथ नहीं, बिल्कुल अठंग खिलाड़ी के वाई के, खरेखर दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन, परंतु तेमनो एक आखो अंदाज अलग छे, अने जे लोकोनी साथे बैठा होय छे ने जे जग्याए कहेवाय छे ने के गुजराती मां के ज्यां पग मूके ने त्यां घर करी दे, बिल्कुल शरद पवार जी नो बिल्कुल अलग अंदाज छे। आज तारीख में युवा पेढ़ी जे पण छे, कदाच जे नवा उभरता जे पण नेताओ छे तेमना आदर्श
माने छे शरद पवार जी ने। अगेन थैंक यू वेरी मच शरद पवार जी। और दर्शक मित्रों फरी मळी एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी शरद पवार जी ने जवाब नमस्कार।